दिल्ली से साइबर फ्रॉड का एक नया मामला सामने आया है। व्हाट्सएप के चक्कर में एक शख्स बुरा फंस गया। दिल्ली के शख्स को 1 करोड़ से अधिक का चूना लगा दिया गया। विक्टिम का पहले भरोसा जीता गया, उसके बाद उसे लूट लिया गया। ठगने के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया गया। कुल 1 करोड़ 13 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट की बात थी। 55 दिनों तक साइबर ठगी का ये खेल चला है। हालांकि लगातार साइबर एक्सपर्ट, सरकार, जिम्मेदार एजेंसियां इस बात के लिए चेताती हैं, इस बात के लिए समझाती हैं कि साइबर ठगों से बचकर रहें, उनके साथ उनके दिए गए झांसे में ना आए। अचानक पैसे को बढ़ाने की अगर लालच दिया जाए तो उससे बचें। व्हाट्सएप की पॉपुलरिटी वैसे तो किसी से छिपी नहीं है, लेकिन इस शख्स के लिए मैसेजिंग ऐप को चलाना भारी पड़ गया। इतना ही नहीं, इस केस में शख्स ने अपने 1 करोड़ 13 लाख रुपए गंवा दिए। दरअसल साइबर फ्रॉड का नया मामला दिल्ली से है, जहां उत्तर पश्चिम दिल्ली में रहने वाले एक शख्स ने 1 करोड़ से ज्यादा रुपए गंवा दिए। इस साइबर फ्रॉड की शुरुआत एक व्हाट्सएप ग्रुप से हुई। शिकायतकर्ता ने पुलिस को जानकारी दी कि उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया। इस ग्रुप में दावा किया कि वो एक ऑफलाइन इन्वेस्टमेंट रिसर्च ग्रुप है। शुरुआत में इस ग्रुप में 150 लोग थे। इस ग्रुप में स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केटिंग से संबंधित टिप्स को शेयर किया जाता था। पुलिस के सीनियर ऑफिसर ने बताया कि विक्टिम का भरोसा जीतने के बाद उसे शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट के कुछ इन्वेस्टमेंट के टिप्स दिए गए। इसके बाद विक्टिम ने हाई रिटर्न के लालच में इन्वेस्टमेंट कर दी। जनवरी में विक्टिम ने शुरुआत 50,000 रुपये से की, लेकिन आरोपी ने उसे और ज़्यादा रुपये लगाने के लिए कहा। एक बार आरोपी के जाल में फंस कर विक्टिम ने इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद रुपए निकालना मुश्किल हो गया।